हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम गाइज इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि ये अपडेट जो है गाइज नेशनल हाईवे की तरफ से आया हुआ है और ये अपडेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जो है ये अपडेट जो है सभी को जो है जानना ज़रूरी है। जो भी एक्सप्रेस वे वगैरह में चलते हैं सारा कुछ जो है इसमें डिटेल में बताएंगे आप लोगों को क्या अपडेट जो आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ये बता दें गाइज ये अपडेट जो है NHAI के द्वारा आया हुआ है और बहुत ही जल्द जो है एक ऐसा सिस्टम जो है लॉन्च करने वाला है नेशनल हाईवे की तरफ से। ये जो है गाइज ये अपडेट में बताया जाएगा कि 8 सुविधाएं मिलेगी जो भी नेशनल हाईवे हैं अब तक बने हैं और या बन रहे हैं या नया से और या पुराना हो चाहे नया हो, सारे नेशनल हाईवे में जो है ये सुविधाएँ मिलेगी। अब कौन कौन सी सुविधाएँ 8 सुविधाएँ मिलेगी सारा कुछ जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरी जानकारी दे पाएँ कौन कौन सा जो है सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरी विस्तार से हम बता सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा हेडलाइन क्या होने वाला है। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है सभी नेशनल हाईवे पर मिलेगी ये 8 सुविधाएँ। अब कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेगी उसके बारे में चलिए आगे विस्तार से पढ़ते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस अपडेट में लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपके सफ़र को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए नई हम सफ़र पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के लागू हो जाने से आपको एक्सप्रेसवे ही नहीं अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेगी। इस पॉलिसी के अनुसार नेशनल हाईवे पर ये 8 सुविधाएँ मिलना तय है। तो गाइस चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं कौन कौन सी सुविधाएँ हम लोग को मिलेगी नेशनल हाईवे सब में। ठीक है, तो पहला सुविधाएँ मिलेगी हम लोगों को आराम करने के लिए डॉर्मेंट्री बनेंगे, जहां बेड पर आराम कर सकेंगे। यानी एक्सप्रेसवे के बगल में गैज डॉर्मेंट्री बनेंगे जहां पर जो है बेड लगाया जाएगा, वहां पर जो है आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत लंबा सफ़र करके लोग जाते हैं तो वहां पर उसको लगेगा कि हमको आराम करना चाहिए, तो वो जो है जहाँ पर डॉर्मेंट्री बनेंगे वहाँ पर जाके वो आराम से कर सकते हैं आराम। ठीक है, और दूसरी सुविधा की बात करें तो गैज इसमें जो है लिखा हुआ है हाईवे पर विशेष बेबी केयर रूम की व्यवस्था होगी। यानी हाईवे पर जो है बेबी केयर रूम की व्यवस्था किया जाएगा, जहां पर जो है बच्चे लोगों का भी अच्छे से केयर भी किया जाएगा, क्योंकि जो है बच्चे लोगों का भी हरासमेंट हो जाता है लंबा सफ़र तय करने के बाद, तो वहां पर कुछ भी दिक्कत हो तो वहां पर उस रूम में जा कर के जो है वो व्यवस्था सारा कुछ रहता है, वहाँ पर देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस तीसरा सुविधा की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुविधा है गाइस, ये जो है सभी के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है लंबे सफ़र तक जो है तय करते हैं तो उन लोगों के तो भूख वगैरह लगते हैं, डिनर वगैरह तो करना होता ही है, तो उसके लिए ये बनाया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है हाईवे पर अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट बनेंगे। यानी गाइज रेस्टोरेंट बनेंगे और जो है फूड जहाँ पर अच्छे से भोजन वगैरह बनते हैं वो चीज़ बनाया जाएंगे, ताकि गाइज लोगों को जो है सुविधा मिल सके और जो है उन लोगों को ज़्यादा भटकना ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे के बगल में ही रहेगा तो सारा कुछ डिटेल तो दिया हुआ रहेगा, तो उसमें जो है इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जो है जाकर के वहाँ पर अपना डिनर वगैरह कर सकते हैं, और जिनको रात भी बिताना हो तो वो रात भी बिता सकते हैं। रेस्टोरेंट में तो सारा सुविधा रहते हैं गैज, आप लोगों को पता ही होगा। और गैज अगला सुविधा की बात करें तो ये भी गैज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है हर पेट्रोल पम्प पर साफ़ सुथरे पब्लिक टॉयलेट बनेंगे। ठीक है, यानी पेट्रोल पम्प जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर जो है पब्लिक के लिए जो है साफ़ सुथरे टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। ठीक है, और गैस एक्सप्रेसवे में अगला सुविधाएँ की बात करें तो इसमें बताया गया है पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। यानी पेट्रोल पंप जहां पर भी रहेंगे वहां पर जो है पार्किंग करके आप अपना कुछ भी काम हो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जाना हो चाहे कुछ भी काम है छोटा मोटा काम वो भी कर सकते हैं पार्किंग करके, क्योंकि जो है गैस एक्सप्रेसवे तो बहुत लंबा है और बिजी रोड होता है, तो उसमें जो है कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते आप लोग, तो उसका जो है व्यवस्थित ढंग से बनाया जाएगा पेट्रोल पम्प पास, वहाँ पर जाकर आप आराम से पार्किंग करके जो है अपना काम निपटा सकते हैं। ठीक है, और गैज अगला सुविधा की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिव्यांग यात्रियों के लिए खास तौर पर व्हील चेयर उपलब्ध होगी। यानी जो भी दिव्यांग बच्चे हैं या कोई भी है उन लोगों के लिए जो है खास तौर पर जो है व्हील चेयर का भी उपलब्ध कराया जाएगा, कहीं पर उन लोग को एमरजेंसी कुछ भी करना हो तो व्हील चेयर की सहायता से उन लोगों को ले करके जा सकते हैं। ठीक है, और गैज अगला सुविधा की बात करें तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है गैज, अभी के ज़माने में गैज बहुत सारे गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक से भी चलते हैं, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। यानी ईवी चार्जिंग के लिए जो है स्टेशन बनाए जाएंगे, वहाँ पर जो है
जो भी इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलती है उसके लिए जो है चार्जिंग बनाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है आप लोग वहाँ पर जाकर के जो है चार्ज भी कर सकते हैं, गाड़ी लो हो जाएगा तो बैटरी लो हो जाता है तो वहाँ पर जाकर चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से पेट्रोल पंप में पेट्रोल ख़त्म होने के पर जो है पेट्रोल पंप में जाकर हम लोग भरवा करके फिर से चलते हैं, उसी प्रकार से चार्ज करके जो है फिर से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपना यात्रा को, ठीक है। और गाइज आखिरी सुविधा की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है हाईवे पर और पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन आदि खुलेंगे, यानी हाईवे यानी जो रोड है उस पर और पेट्रोल पंप जहाँ पर रहेंगे उसमें जो है सीएनजी स्टेशन आदि खुलने के चांसेस है, ठीक है। तो ये था गाइज आप लोगों को बताएं 8 सुविधाएं क्या कुछ हम लोग को मिलने वाला है जब ये लॉन्च हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्द लॉन्च भी करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को सारा कुछ जानकारी। अगर गाइज कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दिल से। तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भविष्य में कभी भी इसके बारे में कुछ भी नया जानकारी आता है तो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड। सभी को नमस्कार, जोहार मेरे तरफ से।